रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज वन। एक डायग्राम दिया हुआ है, इज द डायग्राम विजिबल? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज वन, विच एरिया विल बी ग्रेटर? कौन सा एरिया बड़ा होगा? पांच, एरिया नंबर पांच, एरिया नंबर चार। देयर इज वन ऑप्शन दैट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, छोटा बड़ा हम नहीं बता सकते ऐसा कह रहे हैं। एंड देयर इज अनदर ऑप्शन दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, कि ये पांच और चार जो दिए हैं इनमें से कोई नहीं, दोनों ही बड़े नहीं है ऐसा कह रहे हैं। सो व्हाट कैन बी द आंसर एंड हाउ टू गो अबाउट दिस प्रॉब्लम? व्हाट इज गिवन हियर इज दिस, क्या बोला है? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज वन। ठीक है, दैट मीन्स इफ वी जॉइन द सेंटर एंड दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज पी, so that is equal to how many units? One unit. Clear? So अगर हम देखें simple by observation, simply you can see, है ना, that we can always find out. हम निकाल तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे observation से ही समझ में आ रहा है कौन सा area ज्यादा होगा। सर four. Four ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर हम देखें ध्यान से कि बिगर सर्कल है ना, ये क्या चीज है, हम कहते हैं कि बिगर सर्कल माइनस स्क्वायर है ना, जो भी स्क्वायर, एक ही स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम एरिया देखें, एरिया ऑफ है ना, एरिया कौन कौन से एरिया, वन और टू और थ्री और फोर, ये चारों एरिया बराबर दिख रहे हैं या सोनो? यस सर, बराबर है। ठीक है, एंड इफ वी डिवाइड बड़े सर्कल के एरिया में से है ना, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम कम कर दें तो क्या बचेंगे, ये चार अलग अलग छोटे हिस्से बचेंगे और उनको अगर हम इक्वल चार से डिवाइड कर दें, चार इक्वल पार्ट कर दें, सो दैट वी विल गेट द एरिया, यस और नो? ठीक है, जबकि दूसरी तरफ एरिया कौन सा वाला, एरिया फाइव और सिक्स और सेवन और एट, अगर इनकी बात करें तो ये क्या रहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल और इनर सर्कल। ठीक है, and this all should be divided by 4. ठीक है, तो ये overall observation से हमको दिख रहा है कौन सा area ज्यादा होगा, observation से ही दिख रहा है कि कौन सा ज्यादा होगा। Yes sir, 4. है ना, 4 ज्यादा होगा, चाहे तो हम इसको measure कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट, अगर ये वन है तो इसको एक्सटेंड करें, सो डायगोनल कितना हुआ, दो यूनिट का हुआ, यस और नो? यस सर, दिस डायगोनल विल बिकम हाउ मेनी यूनिट्स, डायगोनल दो यूनिट का हो जाएगा डायगोनल, तो साइड कितनी यूनिट की होगी, रूट टू, रूट टू, यस और नो? यस सर, क्लियर हो रहा है? पाइथागोरस थ्योरम, टू का स्क्वायर फोर, और इधर परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर को ऐड करें, ठीक है, सो दैट विल आल्सो बी फोर। तो इस स्क्वायर की साइड जो हुई वो रूट टू, गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, नाउ हाउ कैन वी फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, अगर ये निकालना है तो क्या निकलेगी, तो यहां से ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि ये रेडियस कितनी है, इफ यू लुक एट दिस साइड, सो कैन वी से ये कितना था, ये भी एक छोटा स्क्वायर बन रहा है,
अगर हम इसको ध्यान से देखें, ओवरऑल साइड वन बोली रूट टू, तो रूट टू का हाफ क्या होगा? रूट टू का हाफ क्या होगा? वन अपॉन रूट टू, यस और नो? यस और नो? यस सर, रूट टू का हाफ वन अपॉन रूट टू, तो ये छोटा हो गया, ठीक है. सो दिस रेडियस विल बी वन अपॉन रूट टू, ठीक है. सो इफ वी सब्ट्रैक्ट इट नाउ, है ना, अब वो जो गिवन सब्ट्रैक्शन से अगर हम उनमें रखें, रेडियस सारी पता चल गई. देखो, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कैन वी फाइंड, यस और नो? यस सर, एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकाल सकते हैं. एक साइड रूट टू, दूसरी साइड रूट टू, मल्टीप्लाई करें टोटल एरिया हो जाएगा टू, ठीक है. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, सॉरी, एरिया ऑफ बिगर सर्कल कैन बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, है ना, रेडियस है वन, ठीक है. सो पाई यूनिट होगी, एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट विल बी पाई, इज इट क्लियर? और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला? सो दैट बिकम्स टू, यस और नो? रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, सो दैट विल गिव द एरिया टू यूनिट्स, बराबर? प्लीज आंसर. यस सर, यस सर, ठीक है. तो अगेन फ्रॉम हियर एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ यू फाइंड इट फॉर द लोअर रीजन और स्मॉलर रीजन, सो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज टू यूनिट्स माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, बट हियर रेडियस विल बी लाइक दिस, टू माइनस पाई एंड दिस होल इज टू बी डिवाइडेड बाय फोर, सो गेटिंग द पॉइंट. पाई की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 ले लें, माइनस 2 कर लें, मतलब कि यहाँ से मिले हमको कम से कम माइनस 1.14, और यहाँ पे अगर हम देखें, सो व्हाट डू वी गेट? एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज 2 माइनस पाई की वैल्यू 3.14, और 1/2 से डिवाइड होगा. So 3.14 if it is divided by 2, so it will be 1.57 around, and whole has to be divided by 4, so that difference will come around how much? 0.43, and here the difference comes around 1.14. अब दोनों को अगर 4 से divide करें तो और छोटा हो जाएगा. तो हियर, है ना, अगर हम डिफरेंसेस को ही कंपेयर करें, ठीक है, फोर से डिवाइड नहीं करें, अगर हम सिर्फ कंपेयर करें डिफरेंसेस को, सो कंपेयरिंग द डिफरेंसेस, सो व्हाट डू वी गेट? हमको समझ में आ रहा है कि 1.14 इज ग्रेटर देन 0.43, इज इट क्लियर? सो दैट मींस दिस एरिया विल बी Area 1 or 2 or 3 or 4 will be bigger. Clear hua question?